फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ यास्मीन और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लौकी का बहुत ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और इजी सूप की रेसिपी। अगर आप और आपके बच्चे भी लौकी खाना पसंद नहीं करते हो तो इस तरीके से आप लौकी का सूप बना के पिए, यकीन करें इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लौकी का सूप है। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और सबसे अच्छी बात है कि इसे बनाने में बिल्कुल भी वक्त भी नहीं लगता और मेहनत भी नहीं लगती। क्या आपको पता है कि गर्मी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो सब्ज़ी हमें देती है लौकी होती है, क्योंकि लौकी में बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पाया जाता है। तो आप इस गर्मी में इसे रोज़ बना के आराम से पी सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसे हमें बनाना कैसे है। लौकी का सूप बनाने के लिए यहाँ मैंने लौकी ली हूँ, ये टोटल 500 ग्राम है, जिसमें से मैं आधा लौकी यूज़ कर रही हूँ। आधे का मैं सूप बना रही हूँ, आधे का मैं कल बनाऊँ, क्योंकि आधे लौकी में आपका दो बाउल सूप बन के रेडी हो जाता है। इसे हमें अच्छे से पील कर लेना है, उसके बाद नॉर्मली रफली हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, क्योंकि इसे हमें पकाना है तो आप कैसे भी पीसेस इसके कट कर सकते हो। और ये एकदम लौकी जो है ना एकदम सॉफ्ट है, बीजे बिल्कुल इसके हल्के हैं, तो मैं बीजे के साथ ही डाल रही हूँ और वैसे भी ये बीजे गल जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। इसे मैंने प्रेशर कुकर में डाल दी हूँ, इसमें एक गिलास पानी डाली हूँ, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ जिसे रफली चॉप करके ऐड की हूँ, आधा चम्मच नमक ऐड की हूँ। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा तीखा सूप चाहते हो तो आप एक दो मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, साथ ही में मिर्ची पक जाएंगे तो इससे ज़्यादा तीखा सूप बनता है। अब इसे हमें हाई फ्लेम पे इतना पकाना है कि हमारा लौकी अच्छे से गल जाए। 2 से 3 सीटी आपको लेना है और यह हमारे कुकर को 2 से 3 सीटी आ चुकी है। आप देख सकते हो लौकी कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है। इसमें से हमें लौकी को अलग कर लेना है और जो पानी बचा है उसे सेपरेट कर लेना है और पानी को हमें साइड में रख देना है। यहाँ पे मैंने होल वाला चम्मच ली हूँ, उसी से मैं अलग कर रही हूँ। आप चाहे तो छन्नी से भी छान सकते हो, छन्नी से आप छानोगे तो लौकी और पानी बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से इसे मैंने अलग साइड में कर ली हूँ। यहाँ मैंने लौकी को 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दी थी, जिससे अच्छे से ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। उसके बाद हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और पूरे लौकी को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बना लेंगे। आप देख सकते हो कितना स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हुआ है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें बिल्कुल हल्का सा ऑयल हम ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहे तो अदरक लहसुन को बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हो। इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने हल्का सा जीरा भी ऐड की हूँ, 1/4 चम्मच के बराबर ही। जीरे को भी अच्छे से कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चें ली हूँ, जिसे बीच में से कट करके ऐड की हूँ। इससे जो हमारा सूप है वो हल्का सा तीखा बनेगा। अगर आप ज़्यादा तीखा सूप पसंद करते हो तो जैसे मैंने आपको पहले बताई हो, आप लौकी के साथ ही 2 मिर्चें ऐड कर देना। उसके बाद जो हमने लौकी को ग्राइंड करके रखा है, पीस के रखा है, वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ग्राइंडर जार में पानी डाल के ऐड की हूँ और जो लौकी का पानी हमने रखा था साइड में वो भी साथ ही में ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम अब हम हाई कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे इसे हमें 1 बॉईल आने तक पकाना है। इसे यहाँ पर आप टेस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कुछ भी कम ज़्यादा तो आप ऐड कर सकते हो। मेरा सूप एकदम परफेक्ट है। उसके बाद इसमें मैंने हल्का सा काली मिर्ची का पाउडर और हल्का सा गरम मसाला पाउडर ऐड की हूँ, अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। क्योंकि ये सूप ऑलरेडी पका हुआ है, हमने इसमें पका हुआ पानी ऐड किया तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें मैंने ऐड कर दी हूँ और ये हमारा गर्मा गर्म टेस्टी हेल्दी सूप बन के बिल्कुल रेडी है, जिसे बनाने में टोटल सिर्फ 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। एकदम लो बजट सूप है, सिर्फ 5 रुपए के लौकी में हमने सूप को बना के रेडी किया है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, यकीन करें इतना ज़्यादा टेस्टी है। सीजन के लिए एकदम बेस्ट और हेल्दी रेसिपी है, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, आपके बच्चों को ज़रूर देना। अगर एक बार आपने दे दिया ना तो रोज़ आपसे सूप मांगेंगे, मेरी गारंटी है। आपका फीडबैक ज़रूर दें आपका सूप कैसा बने। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।